प्यारजी एक कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, प्यारजी खेमका प्रोडक्शंस। एंड इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक अभी तक क्या ना म्यूज़िक एल्बम का एक दौर था, वो दौर ख़त्म हुआ, उस पर लोगों ने रोशनी नहीं डाली। उसके बाद मूवी, तो ये हमारा नॉट एल्बम, म्यूज़िक शॉर्ट मूवी है, पूरी एक एक स्क्रिप्ट है, एक ऐसे शैडो की, एक ऐसी परछाई की जो अंधेरे में खड़ी थी हुई लेकिन रोशनी पे आने के बाद ख़त्म सी हो गई और वो रोशनी के पास जाना भी चाहती है। तो एक ये ऐसी स्क्रिप्ट है, ये किसी राइटर की लिखी हुई नहीं, एक नेचुरल इंसान की एक कहानी है, एक ऐसा दिया जो तूफ़ानों में भी जलता रहा, लाख तूफान ने बुझाना चाहा लेकिन लॉकडाउन होने के बाद फिर स्टैंड हो गई। ठीक है, हमने कोशिश करी। सबसे पहले तो जीतू जी का मैं शुक्रिया नहीं, मैं तो चूँकि हमारे भाई हैं और बहुत कोशिश, काफ़ी वक्त से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म बहुत टाइम से मुश्किल था कि हम लोग, तो इसके ज़रिए से हमें एक लगा मुझे कि एक एक नई चीज़ पैदा हो रही है एक टेलीफिल्म के ज़रिए से, और उसको एल्बम की शक्ल देता। हम लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर थे थिरक में। एक्चुअली अभी हमारे पास 5 ट्रैक्स हैं और सभी सॉन्ग्स अलग अलग तरह के हैं, सूफी भी है उसमें, रोमांटिक भी है, सैड वर्जन भी है। तो थिरक इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, अ म्यूजिकल कॉन्सेप्ट। ये इसकी सारी मेहनत का ही फल है, ये जो आज ये होने जा रहा है। बहुत संघर्ष किया बच्चे ने, और इसने जो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट था जो ला रहा है, इसके पहले इसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 52 आवर्स के डांसिंग कंटिन्यूस का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचेगा। ये तेरी पलकें करके बहुत ही खूबसूरत गाना है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपना पीआरजे खेमका प्रोडक्शन का कि जो थिरक नाम की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट म्यूजिकल फिल्म बना रहे हैं। पाइपलाइन में है, मेरी कुछ फिल्में हैं जो जुलाई के बाद रिलीज़ हैं। देखिए, हमें सिर्फ एक्सचेंज से मतलब है, अगर आप कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं तो उस तरफ से भी होना चाहिए। खाली आप इस तरफ से एक्सचेंज करते हैं और बाकी ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी हक है। और कुछ ऐसे संगीतकार हैं जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो ये कहते हैं कि उनके अलावा हमारे यहाँ बेटर सिंगर्स नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसे जो लोग कहते हैं उन लोगों को ये कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वो अच्छे सिंगर्स हैं, हम ये नहीं बोलते, हम डिनाई नहीं करते हैं, बट हम लोग भी बुरे नहीं हैं, हम ये कहना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुख, मतलब दिल को अच्छा नहीं लगता सुनकर, इतना कुछ करने के बाद इंडस्ट्री में। जब आप, मुझे तो पर्सनली किसी ने कुछ नहीं बोला, बट जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं बड़ा दुख होता है कि हम अपने लोगों को क्यों डिग्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और पूरी धरोहर संगीत जो है हमारी यहीं से निकली है। जी हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल है, हमारा अपना संगीत है, यहाँ से निकला है वो।